नमस्कार। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा। जैन चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत में जो आपने कुछ सेकंड का एक मोंटाज देखा उसमें जैन चौधरी का एक बयान है जो जनवरी 2022 का है, यानी आज से करीब करीब 2 साल पहले का। जिस बयान में जब चर्चा हो रही थी कि जैन चौधरी क्या छोड़ सकते हैं गठबंधन को, सपा से गठबंधन को, क्या जैन चौधरी बीजेपी के पास जा सकते हैं, जब 2022 का विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही थी, तब जैन चौधरी ने कहा एक रैली में, भाषण में, कि मैं कोई चवन्नी हूं कि पलट जाऊंगा। उसी बयान का जिक्र आज लोग कर रहे हैं जब बीते 24 घंटों से खास तौर से ये लगातार चर्चा हो रही है कि क्या जैन चौधरी गठबंधन से अलग होकर, समाजवादी पार्टी से अलग होकर, क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं जैन चौधरी, क्या एनडीए से जुड़कर इंडिया को झटका देंगे जैन चौधरी, क्या अखिलेश यादव और जैन चौधरी के बीच सीटों पर ऐसा पेच फंसा है जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। और ये सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे क्योंकि जो मैं सुबह से कई लोगों से बात कर रहा था, खबर तो कल शाम आई, चैनलों पर चली, आपने देखा होगा, लेकिन मुझे लगा थोड़ा इंतजार करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, अफवाहों के आधार पर बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कल रात से आज अभी जब मैं शो कर रहा हूं तब तक कम से कम 15-20 लोगों से मैंने बात की, जिसमें 7-8 पत्रकार हैं, 5-7 ऐसे लोग हैं जो आरएलडी के राजनीति को देखते समझते हैं, 5-7 और वेस्ट यूपी के लोग हैं जिनसे मैं चुनावी यात्रा के दौरान मिलता जुलता बातचीत करता रहा, समझने के लिए कि क्या ऐसा मुमकिन है। तो एक खास बात जो पता चली कि जैन चौधरी बीते 8-10 दिनों से अपने सहयोगियों से, अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से, अपनी पार्टी के ज्यादातर नेताओं से, अपने दफ्तर में काम करने वाले लोगों से जैन चौधरी ने 7-8 दिनों से बात नहीं की है, संवादहीनता की स्थिति है। वो वजह जो भी हो इसको लेकर कयास है। दूसरी बात, जैन चौधरी का दफ्तर है शाहजहां रोड पर AB 97। 7-8 दिनों से जैन चौधरी अपने दफ्तर भी नहीं गए, कुछ लोग कह रहे 10 दिनों से नहीं आए। ये भी पता चला कि जैन चौधरी और अखिलेश यादव के बीच भी कई दिनों से कोई बातचीत नहीं। और आज आपने देखा होगा कि जब कल से खबर आने लगी कि जैन चौधरी बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, चुनाव में अब कुल 2 महीने बचे, तब आज अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया कि ऐसा नहीं हो सकता है, जयंत हमारे साथ हैं, वो किसानों की लड़ाई में हमारे साथ हैं, इसलिए जैन चौधरी ऐसा नहीं कर सकते। फिर बयान अखिलेश यादव के बाद जो और बाकी नेता है जैसे नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया कि ये सब अफवाह है, आरएलडी और एसपी का गठबंधन अटूट है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक बयान आया जो जयंत चौधरी के बारे में चूंकि लगातार सवाल पूछा जा रहा था शिवपाल यादव का, कि बीजेपी की तरफ से मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा, भ्रमित किया जा रहा, जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहा। फिर बयान डिंपल यादव का भी आया, लेकिन इन सब के बीच एक खास बात कि जयंत चौधरी की तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया है, जैन चौधरी की तरफ से ट्वीट पर भी खंडन नहीं किया गया है और किसी से कोई बात नहीं करे। मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो जैन चौधरी से बात करते रहते थे, जिन्होंने टेक्स्ट किया, उसका जवाब नहीं आया। तो ये दौर जब सोशल मीडिया का है, जब आपके बारे में अगर कोई अफवाह उड़ती है आपको चंद मिनट में पता चल सकता है और आप चाहें कि अफवाह न उड़े तो आप तुरंत खंडन कर सकते हैं, आप ट्वीट करके बता सकते हैं कि ये भ्रमित करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जैन चौधरी ने नहीं बताया। चूंकि जैन चौधरी ने यह नहीं बताया इसलिए फिर अफवाह कहे या यह खबर कहे इसको एक आधार मिल रहा है कि आखिर क्या वजह है कि जैन चौधरी ने चुप्पी साध रखी। एक पक्ष ऐसा भी है मीडिया में, वेबसाइट में यह छप रहा है कि जैन चौधरी और बीजेपी के बीच कुछ डील हो रही है, कुछ सहमति हो रही है, सहमति कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 या 4 सीटें लोकसभा की मिले, केंद्र में कुछ सरकार में साझेदारी मिले और यूपी में योगी सरकार में जो उनके विधायक हैं 8, उनमें से 1 या 2 को मंत्री, ऐसी बातें चल रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इसका कोई अभी आधार नहीं है,
कोई कंफर्मेशन किसी तरह से नहीं है, किसी तरफ से नहीं है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि इसका कोई खंडन भी नहीं है। तो फिर बात तो आ रही है कि कुछ लोग ये भी कहने वाले हैं कि हार्ड बार्गेनिंग हो रहा होगा पर्दे के पीछे, क्योंकि जयंत चौधरी को 7 सीटें जो दी गई उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ शर्तें हैं कि 3 सीट ऐसी है या 4 सीट जहां समाजवादी पार्टी चाहती है कि सिंबल आरएलडी का हो लेकिन उम्मीदवार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पसंद का हो। इसी को लेकर जयंत चौधरी की नाराजगी की खबरें, इसलिए हार्ड बार्गेनिंग समाजवादी पार्टी से कर रहे होंगे। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं हो सकता है बीजेपी से ही हार्ड बार्गेनिंग हो रही हो, जब फाइनल स्टेज में होगा तब ये ऐलान होगा। लेकिन जो कुछ भी है, इंडिया गठबंधन के लिए बीते 24 घंटे से यह खबर झटके की तरह है। हकीकत क्या है अगले 48 घंटे में मुझे लगता है पता चलेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे क्या पेचीदगी है। अगर ऐसा है कि जयंत चौधरी 7-8 दिनों से लोगों से संवाद नहीं कर रहे, अपने नेताओं से नहीं बात कर रहे, अपनी पार्टी के वर्कर से नहीं बात कर रहे, पश्चिमी यूपी में उनके बिजनौर में कार्यक्रम थे उसको भी रद्द कर दिए, दफ्तर भी नहीं जा रहे, उसकी वजह क्या है? और अखिलेश यादव को मीडिया के सामने आकर क्यों कहना पड़ रहा है कि हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि जयंत चौधरी नहीं जाएंगे। इसी को समझने के लिए खास मेहमान हमारे साथ है स्क्रीन पर, उनको लाया जाए। 3 खास मेहमान और तीनों का रिश्ता पश्चिमी यूपी से, इसलिए बहुत अहम है, उनसे बात मैं भी करूंगा आप भी समझेंगे। एक हमारे साथ है केपी मलिक साहब, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर है, पश्चिमी यूपी की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं, एक एक सीट के बारे में उनकी जानकारी रहती है और वहां के राजनीतिक समीकरण को, वहां जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखते हैं और कह सकते हैं उस राजनीतिक सूचनाओं को जीते। एक हमारे साथ खास मेहमान है अनिल बंसल, जिनसे हमने यूपी चुनाव के दौरान अक्सर बात की, जनसत्ता के से सीनियर हैं, जनसत्ता से जुड़े हुए हैं, 4 दशकों का अनुभव है, मेरठ में रहते हैं, मेरठ से जुड़े हैं, पश्चिमी यूपी का एक मेरठ एक खास जिला है और यूपी की राजनीति को बहुत बारीकी से अनिल बंसल साहब भी जानते हैं। हमारे साथ जुड़े मुजफ्फरनगर से अनिल रॉयल साहब, जो एक स्थानीय अखबार के संपादक है, लेकिन पश्चिमी यूपी ही नहीं यूपी की राजनीति को सीट वाइज अनिल रॉयल साहब भी जानते हैं। और जहां वो है मुजफ्फरनगर, वो भी एक खास जगह है जहां से संजीव बालियान बीजेपी के सांसद हैं, कद्दावर नेता है, 2 बार जीते, मुजफ्फरनगर की भी वो सीट है जिसको लेकर कहा जा रहा है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में कुछ पेचीदगियां। तो शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या खबर है। पहले मैं सबसे पहले केपी मलिक आपके पास आता हूं। मैंने एक भूमिका में सारी बात बताई, जो खबरें जो कहानियां चल रही है और वो बयान भी जयंत चौधरी का कि मैं कोई 54 हूं कि पलट जाऊंगा। तो आज की स्थिति में आप क्या कहने की स्थिति में है, क्या जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच संवाद का रास्ता खुलकर यहां तक पहुंच गया कि जयंत चौधरी सपा से अलग होकर बीजेपी के पाले में जा सकते हैं? जी धन्यवाद अजीत जी। अजीत जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जयंत चौधरी ये फैसला ले रहे हैं या ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं तो मुझे इसके पीछे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की एक हठधर्मिता और संवादहीनता नजर आती है। अभी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी की और अखिलेश की बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, कुछ घंटों मीटिंग चली और हम लोगों ने उनकी चैनल पर और बाकी जगह भी तारीफ की थी कि नेताओं को आपस में शीर्ष नेतृत्व को बैठना चाहिए और तमाम सीटों पर अपना फैसला कर लेना चाहिए क्योंकि समय बहुत करीब है। तो 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली और अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट किया। उसके बाद ये हुआ कि कैराना और बिजनौर की सीटों पे अखिलेश यादव चाहते थे कि उनके लोग लड़े और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का हो, यहां तक बात ठीक थी। इसके बाद क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर की जो सीट है पिछले लोकसभा के इलेक्शन में 2019 में चौधरी अजीत सिंह वहां से लगभग 6,500 वोटों से चुनाव हार गए थे और चर्चा तो ये है वहां पे कि हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। तो उसको अखिलेश जयंत चौधरी थोड़ा भावुक हिसाब से लेकर सोचते हैं कि मुजफ्फरनगर की सीट पे जो है आरएलडी लड़े या जयंत चौधरी खुद लड़े। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन की है हरिंदर मलिक, वहां के अच्छे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और पहले भी राज्यसभा के एमपी रहे, लंबे समय तक विधायक रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी वहां जीतने में थोड़ी मुश्किलात आती है तो वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे वो भी चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के ऊपर उसका भी प्रेशर बनाया और लगभग 3 सीटें समाजवादी पार्टी की बात हो गई। अब एक सीट और थी जब आगरा रीजन में आप जाते हैं फतेहपुर सीकरी, जब उस पर चर्चा, हाँ फतेहपुर सीकरी पर चर्चा ये हुई
कि वो कांग्रेस के खाते में जाती है, कांग्रेस उस पर अड़ी हुई है। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होता है तो ये चार सीटों पर पेच फंस गया है। 7 सीटें आपने दी हैं, 4 सीटों का फैसला आपने खुद ही कर लिया। जो 3 सीटें बची हैं उन पर कौन सी जयंत चौधरी जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, ये पेच फंस गया। तो इससे कहीं ना कहीं विमुख जो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, उनके जो पदाधिकारी हैं वो बहुत रुष्ट और विमुख इस चीज से दिखाई दिए। और अखिलेश यादव, सॉरी जयंत चौधरी के ऊपर इस चीज का बहुत दबाव देखा गया पिछले कई दिन से। अभी पिछले दिनों चर्चा ये थी कि चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन पे छपरौली में उनकी मूर्ति का अनावरण होना था और उसकी लगभग सारी तैयारियां थी, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी से बातचीत शुरू हुई उस मामले को टाल दिया गया और कहा बाद में इसको अनावरण करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चर्चा भारतीय जनता पार्टी से जरूर चल रही है। हालांकि जो चीजें आ रही हैं कि वो 4 सीटें देंगे, 5 सीटें देंगे, 3 सीटें देंगे, अभी बात यहां तक नहीं पहुंची, उसमें भी कई सारे पेच हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जयंत यादव, जयंत चौधरी की एक रणनीति भी हो सकती है कि अखिलेश यादव पे इस तरह की चीजें करके एक दबाव बनाया जाए और बार्गेनिंग की जाए। और इसका असर ये हुआ है कि कल ही अखिलेश यादव ने हरेंद्र मलिक को लखनऊ बुलाया है और शायद उनको समझाने की कोशिश हो रही है, इस तरह की खबरें मेरे पास है। जी, अब मैं एक एक करके फिर वापस आऊंगा। अनिल रॉयल साहब, चूंकि आप मुजफ्फरनगर में हैं, मुजफ्फरनगर को भी लेकर कहा जा रहा था कि ये जो पेच कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, शायद 3 सीटों पर ऐसा अखिलेश और जयंत चौधरी में कुछ मान लीजिए पेचीदगी है कि वहां उम्मीदवार आरएलडी के सीट सिंबल पर अखिलेश यादव अपना चाहते, तो आपके पास क्या सूचना? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शकों को भी पता चले, क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी ने अलग रास्ता बना लिया है बीजेपी से, उनकी बीजेपी के नेताओं से कहीं खबर आ रही, पीयूष गोयल से मुलाकात हुई, कहीं कुछ और खबर आ रही है, क्या जानकारी है? पहले जानकारी दीजिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। अजीत जी, जैसा मलिक साहब ने बताया है और जैसी चर्चाएं हैं, कुछ ना कुछ नाराजगी तो इंडिया गठबंधन से लेकर जयंत जी को है, इसमें कुछ सत्यता तो है। कल जब ये खबर हुई तो हमने पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत की, एक प्रवक्ता ने तुरंत मुझे व्हाट्सएप किया कि किसी कीमत पर ऐसा नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो आरएलडी की मुख्य रूप से बातें हैं वो कोई नहीं मानी है। 14 दिन के गन्ना भुगतान की बात हो, गन्ने का रेट ज्यादा बढ़ाने की बात हो, जाट आरक्षण की हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच हो, चरण सिंह साहब को भारत रत्न देना हो, या इस तरह की, या टैनी के खिलाफ कार्रवाई की, कि इन सब में मूलतः किसी भी बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है, ऐसे में किसी भी कीमत पर यह संभव नहीं है, एक प्रवक्ता ने कहा। मैंने दूसरे प्रवक्ता से, दूसरे नेताओं से बात की, उन्होंने दबी जबान से स्वीकार किया कि कुछ तो बात है, कि ऑफ द रिकॉर्ड, भाई साहब ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह रहे हैं। आज वो जो प्रवक्ता जिन्होंने कल बड़े बोल्डली ये स्टेप दिया था, ये बयान दिया था, आज उनके स्वर भी चेंज थे। उन्होंने सुबह एक ट्वीट में व्हाट्सएप किया और उसके बाद वो डिलीट कर दिया। मैंने पूछा भाई, ने भाई साहब किसी और का था, तो कुछ ना कुछ तो है, ये बात सही है। अब वो 10-12 दिन, आज वह 13वां दिन है जब जयंत जी नाराजगी में है और जयंत जी अपने दफ्तर नहीं जा रहे, आज वो 13वां दिन है, 12 दिन से थे, आज वो 13वां दिन है जो हमारी जानकारी में है। उनके दफ्तर का भी कहना है कि 12 दिन से साहब नहीं आए हैं, नाराजगी है, नाराजगी कारण कुछ तो मलिक साहब ने बताया है। 7 सीट अखिलेश जी ने जयंत जी को दी थी, उनमें से 3 सीट कैराना से इकरासन, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बिजनौर की सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी के कोटे में थी, लेकिन मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर तीनों भारतीय लोकदल के मजबूत क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन ये सपा में और आजम खान साहब वहां, रुचि वीरा एक वहां एक्स एमएलए हैं, उनके लिए प्रस्टेज बनाए हुए हैं, जबकि वहां वो पार्टी के लोगों के हिसाब से बहुत कमजोर कैंडिडेट हैं। तो वो 3 सीट तो चली गई गठबंधन से, वैसे ही एक फतेहपुर सीकरी की इन्होंने बताई ही है आपको। अमरोहा के लिए कांग्रेस चाहती है, वो अमरोहा के लिए कांग्रेस भी अपने लोगों को लड़ाना चाहती है, जो दानिश साहब को पहले वो एमएलए है वहां, एमपी है, उनको कांग्रेस कमिटमेंट किए हुए हैं। तो कुछ समस्याएं ऐसी रही कि इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेताओं द्वारा स्पष्ट नहीं हुआ है। और तो अब एक मिनट बीच में रोक रहा हूं, चुके अनिल बंसल के पास जाऊंगा, तो आपके हिसाब से आपके पास क्या जानकारी है कि क्या बीजेपी के नेताओं से कुछ अंडरस्टैंडिंग या जो भी कहें, चुनाव को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर, सीट को लेकर,
या केंद्रीय मंत्रिमंडल की खबरें हैं कि उनको ये वादा किया जा सकता है कि आप केंद्र में आ जाएं, एक कैबिनेट बर्थ आपको मिल जाए, आपके दो विधायक को योगी सरकार में मंत्री पद मिल जाए, ऐसी कुछ खबर है कि ये कुछ बात चल रही है या इसको अफवाह माने जैसे नरेश उत्तम या शिवपाल यादव कर रहे हैं? अजीत जी, आरएलडी यदि एनडीए में जाएंगे तो जयंत जी केंद्र में मंत्री, उत्तर प्रदेश में उनका एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री होगा, चार या पांच सीट जरूर होंगी। उसमें एक चीज आप ये और ऐड कर लीजिए कि एक सीट जो है नगीना की भी बात चल रही है, जिस पर चंद्रशेखर को लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ाया जा सकता है एनडीए में भी। ये चंद्रशेखर को लेकर विवाद पहले इंडिया में भी था, जयंत जी चाहते रहे हैं चंद्रशेखर के लिए, उनसे चंद्रशेखर से उनकी मित्रता बहुत प्रगाढ़ है, वो नगीना सीट के लिए पहले से कहते हैं और चंद्रशेखर वहां मेहनत भी कर रहे हैं, पर वो इंडिया में वो नहीं बन रहा था, एक कारण नाराजगी का वो भी है। पांच सीट होंगी, एक चंद्रशेखर की भी होगी कम से कम, केंद्र में मंत्री पद होगा अगर एनडीए में जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी दो मंत्री पद होंगे। अनिल बंसल जी को स्क्रीन पर लाते हैं, और एक वो बयान जो है जयंत चौधरी का जो मोन्टाज में हमने सुनाया कि मैं कोई चवन्नी हूं कि पलट जाऊंगा, मैं चाहता हूं वो बयान सुनाया जाए स्क्रीन पर, और उसके बाद अनिल बंसल जी से एक सवाल होगा समझने के लिए कि क्या होने जा रहा, क्या हो सकता है। खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में, ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया, पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई, और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? ये बहुत अहम बयान है जयंत चौधरी का कि मैं कोई चवन्नी हूं कि ऐसे करके पलट जाऊंगा। ये बयान जनवरी 2022 का है, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, और अब इसी तरह की बातें कही जा रही है। अनिल बंसल जी, तो अगर ये ऐसा होता है जयंत चौधरी, अगर हम ईफ्रेन भट्ट में बात कर रहे हैं, पहले आपका आकलन क्या है, और होता है तो क्या सिर्फ तीन सीटों की वजह से सिंबल आपका, उम्मीदवार सपा का, और ये इतनी बड़ी वजह बन जाएगी कि जयंत चौधरी छोड़कर जिस पार्टी के खिलाफ, जिस गठबंधन के एनडीए के खिलाफ लड़ते रहे उसके साथ चले जाएंगे सिर्फ इस वजह से? देखिए, पहले तो जो आप बयान दिखा रहे हैं जयंत चौधरी का कि मैं कुछ चवन्नी को बदल जाऊंगा, इस तरह की बातों की कोई रेलिवेंस बची नहीं है। हम पलटू चाचा के कॉन्टेक्स्ट में भी देख चुके हैं, उनके तो बहुत ताजा ताजा बयान थे, आपने तो 2 साल पुराना दिखाया। तो किसी भी नेता के बारे में ये कहना कि उसने कल क्या कहा था, वो आज क्या स्टैंड लेता है, आज किसी की भी ऐसी विश्वसनीयता बची नहीं है। मूल्यों, सिद्धांतों, राजनीति, सब लोग खुलेआम कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति सत्ता के लिए है, ये किसी हमको सूफी सन्यासी या वो नहीं, सदाचारी नहीं है, ये सारे राजनेता डंके की चोट पर कहते हैं। आपने देखा पासवान का बेटा और उनके भाई में लड़ाई हो रही है, अब दोनों ही एनडीए में आ रहे हैं, तो किसी के बारे में ये सब बातें मैं इसकी ज्यादा रेलिवेंस नहीं समझता। और जहां तक बात है अखिलेश के साथ जो मतभेद है वो इस गठबंधन के टूटने का कारण बनेगा, मुझे इसमें कोई दम नजर नहीं आता। मैं शुरू से जो वाच करता रहा हूं चौधरी अजीत सिंह को भी और जयंत को भी, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी और हर नेता अपनी स्ट्राइक रेट और विनेबिलिटी देखता है। मुझे जो लगता है जो आप 2022 जनवरी दिखा रहे हैं वो किसान आंदोलन का दौर था, उस समय किसानों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी और जयंत को भी लगता था कि अब माहौल जो है वो भाजपा के खिलाफ है, और वो कारण अलग है कि योगी जी की सरकार फिर रिपीट होगी, जो भी कारण उसके रहे, जो परिस्थितियां थी। 31 सीटें इनको मिली थी जिसमें 9 सीटें पहले शायद 8 ही जीते, एक बाद में उपचुनाव में जीते, तो 9 सीटें जीते हैं। तो क्या स्ट्राइक रेट है अखिलेश का, जो स्ट्राइक रेट है या विनेबिलिटी है उसकी तुलना में काफी कमजोर है। और जो सीटें उम्मीदवार हम देंगे, सिंबल आपका होगा, ये तो हम सिवाल खास में देख चुके, जहां अजीत सिंह ने बागपत विधानसभा सीट, इसने अखिलेश जी ने बागपत विधानसभा सीट पर कोकब हमीद के बेटे को दिया, वो हार गया, और समाजवादी पार्टी का मुसलमान सिवाल खास में जीत गया। तो इसका मतलब गठबंधन के बावजूद भी वोट ट्रांसफर होने में परेशानी आई बागपत में। ये सब लोग देखते हैं कि धामा जो भाजपा के उम्मीदवार थे, अधिकांश जाट वोट उनके साथ गए, कोकब हमीद के बेटे के साथ नहीं गए। तो ये सारी, अगर आप 2019 का ही उदाहरण लेंगे, चौधरी अजीत सिंह लड़े, जयंत जी लड़े, सपा बसपा कांग्रेस सबका गठबंधन था, रालोद, फिर भी दोनों हार गए, 6.5 से हारे या कितनी से भी हारे। तो
तो वो कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है कि जयंत जी के दिमाग में ये बात है कि राम मंदिर के बाद माहौल में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बदलाव आया है, हम इसको नकार नहीं सकते और नकारते हैं तो नकारते रहें, है ना। तो उनको लगता है कि चाहे दो सीटें भाजपा से मिले तो दो सीटें वो मैं जीत जाऊंगा, अगर दो भी मिलती है, और यहाँ अगर सात मिलती है तो कोई गारंटी नहीं है कितनी जीतेगा। देखिए हमने 2009 में देखा बीजेपी के साथ जो इनका जयंत का या अजीत जी का विनेबिलिटी का रेशियो बहुत ज्यादा रहा है। 2001 का गठबंधन था जब अजीत सिंह जी को कृषि मंत्री बनवाया, 2002 में जब ये लड़े तब भी भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़े तो इनको सीटें भी मिली, 13-14-15 विधायक इनके जीते। फिर ये 2009 में जब लोकसभा में इनको 7 सीटें मिली बीजेपी के साथ गठबंधन ने, ये 7 में से 5 जीत गए और बीजेपी पूरे प्रदेश में ही 10 सीटें जीती, ये देखिए। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज है कि रालोद और भाजपा की केमिस्ट्री जो है वो सफलता की ज्यादा गारंटी है और दूसरे दलों के साथ उस तरह की सफलता नहीं है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह में शुरू से एक तरह से उनके प्रति जो हमारी जाट बिरादरी है उनका कभी झुकाव और लगाव हो नहीं पाया, क्योंकि जब 1989 में मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री के चुनाव में अजीत सिंह को हराया और वो चीफ मिनिस्टर बने, तब से एक तरह की दोफाड़ हो गई वो भावना, एक यादव ने हमारे चौधरी चरण सिंह के बेटे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, और वो आज कितनी भी हम एकता की और उसकी बात करें वो भाव एक है। और कहीं ना कहीं सपा के उम्मीदवारों के साथ जो उनका रालोद का परंपरागत मतदाता है वो उतना ट्रांसफर नहीं होता, हमने सब देखा है सारे चुनाव में हमने अनुभव किया। तो मुझे लगता है कोई मुजफ्फरनगर सीट का सवाल है तो क्या जयंत को भाजपा मुजफ्फरनगर सीट दे देगी? वो किसी की मत पर नहीं देगी। तो सवाल है। बागपत में चर्चा है कि वो बदलने वाले हैं अपना उम्मीदवार, तो इसलिए वो ड्रॉप कर सकते हैं, ये सीट दे सकते हैं। और जो केंद्र में मंत्री की बात है, शर्त तो कितनी भी लगाएं, शर्त तो रालोद की कभी हरित प्रदेश की हुआ करती थी, आज कहां है हरित प्रदेश। तो ये सब बातें शर्तों वर्तों की कोई मायने नहीं रखती, अगर उनका मन है तो वो जाएंगे ही इसके साथ एनडीए गठबंधन में, और नहीं होगा तो फिर वो सपा के साथ जाएंगे। पर जो चुप्पी, अभी एक सवाल है अनिल जी, एक सवाल है, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर अखिलेश यादव का ट्वीट जो जयंत चौधरी के साथ है, 21 जनवरी का ट्वीट है, वो ट्वीट स्क्रीन पर दिखाएं कि भाई अभी 21 जनवरी से अगर देखें, आज हम 7 तारीख में हैं, तो लगभग मान लीजिए 10 दिन उधर और 17 दिन पहले ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, और उसके बाद हाथ मिलाते हुए तस्वीर जयंत चौधरी के साथ, जिसमें अपने गठबंधन के फाइनल होने की बात करते हैं, जीत के लिए एकजुट हो जाए, और उसको रीट्वीट करते हैं जयंत चौधरी कि राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़े, ये ट्वीट बीच में दिख रहा है। तो 21 जनवरी से आज 7 तारीख है, और उसमें 12-13 दिन से कहा जा रहा 26 जनवरी के बाद से ही नाराजगी है, और 26 जनवरी के बाद से उन्होंने बातचीत करना जयंत चौधरी ने बहुतों से बंद कर दिया, और 7-8-10 दिन से अखिलेश से भी बात नहीं हुई, ऐसा कहा जा रहा। तो ये जब ट्वीट किया होगा अनिल बंसल जी, बाकी लोगों से भी पूछूंगा, तब तो कुछ बात हुई होगी ना कि 7 सीट दे रहे हैं तो 7 में क्या होगा, या ऐसे ही 7 पे बात हुई और उसके बाद 3 दिन पेचीदगी हुई, ये समझ में बात नहीं आ रही है। बात मान रहा हूं अजीत जी, अखिलेश यादव बहुत ज्यादा चाहते हैं जयंत को अपने साथ रखना, अगर ना चाहते होते तो डिंपल यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था, और 9 विधायक के आदमी को अपनी एक राज्यसभा की सीट उन्होंने दे दी, उनकी पार्टी में लड़ाई, उनका चाचा राज्यसभा से वंचित रह गया जो हमेशा राज्यसभा में रहा, तो ये जो स्थिति थी तो क्या जयंत चौधरी को महत्व नहीं दिए बिना दे दी? तो आज वो कह रहे हैं राज्यसभा की सीट देंगे। देखिए आप जानते हैं जो राज्यसभा की सीट अगर जयंत रिजाइन करेंगे तो उसी सीट के लिए उपचुनाव होगा, उपचुनाव में रूलिंग पार्टी जीतती है हमेशा, तो वो सीट फिर भाजपा की बन जाएगी। तो ये जो सब बातें हैं कि इनके बीच मतभेद हैं, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है सबका, मैं जयंत चौधरी को कोई ब्लेम नहीं करूंगा, सब लोग राजनीति में अपने लाभ और हानि के हिसाब से फैसले करते हैं, और अगर जयंत चौधरी भी कर रहे हैं तो इसमें कोई हमें बुरा मानने की बात नहीं है, हम उन्हीं को नसीहत क्यों दें? आज कौन दल है, कौन नेता है जो किसी उसूल और सिद्धांतों पर टिका हुआ है? और दल बदलने को तो किसी नेता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला और चक्की पीसिंग, और एक हफ्ते के अंदर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया, तो ना उस डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाले के लिए कोई नैतिकता है, ना आरोप लगाने वाले के लिए कोई नैतिकता। तो जयंत चौधरी तो नीतीश कुमार के लिए अमित शाह अभी कह रहे थे कि एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है और दरवाजे खुल गए, दोनों के लिए नीतीश कुमार कहते थे मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिलना कबूल है। खाली चवन्नी की बातें आप जयंत चौधरी के लिए क्यों करते हैं? बाकी तो सारे देश में जब ये हाल है सब अपने लाभ और हानि के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी भी करेंगे, उनको पूरा अधिकार है इस बात का।
केपी मलिक साहब आपसे वही सवाल, मैं उसी ट्वीट को फिर दिखाऊंगा। मैं तो यह समझने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि आप जानते हैं, सारे नेताओं को भी जानते होंगे, उनकी राजनीति को भी, कि 21 जनवरी को अगर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं दोस्ती की तस्वीर और उसको रीट्वीट करते हैं जयंत चौधरी की गठबंधन हो गया, सब जगह ब्रेकिंग न्यूज चलता है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तो नहीं हुई, कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने तुरंत कर दिया, और उसके बाद फिर पांच ही दिन चार दिन के बाद से ऐसी स्थिति कि एकदम जैसे होता है आउट ऑफ रीच हो गए जयंत चौधरी, तो क्या ये बिना उसमें कुछ तय हुए ऐसे हाथ मिला के फोटो खिंचवा लिया, या तब बात नहीं हुई, सिर्फ सात सीट पे बात, समझ में बात नहीं आ रही है। जी जी मलिक साहब देखिए जी, अजीत जी, सात सीटें हुई थी और उन सात में कुछ सीटें बदली भी जा सकती थी, कोई वो फिक्स सीटें नहीं थी, वो इधर जैसे अलीगढ़ है, दूसरी हमारी एक और रिजर्व सीट है मथुरा में, उन सीटों पे भी बात हो सकती थी, ये फाइनल सीटें नहीं थी, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत, ये सीटें फाइनल हो गई थी। और इसमें ये पहले से ही था और सब मान के चल रहे थे कि कैराना से इकरा हसन लड़ेगी जो समाजवादी पार्टी की है, और सिंबल आरएनडी का रहेगा, यहां तक बात ठीक थी। बाकी जो बाद में मुजफ्फरनगर वाला और बिजनौर वाला मामला है वो बाद में जुड़ा है सीटों की घोषणा होने के बाद, एक बात। दूसरी बात मैं बीच में कहना चाह रहा था, जैसे अनिल बंसल जी ने भी कहा, आपने भी दिखाया चवन्नी वाला, तो इसके साथ ही एक और बयान अखिलेश इनका जयंत चौधरी का आया था कि अगर खिचड़ी मिल रही है खाने को तो खीर क्यों ना खाई जाए, तो खीर का भी ऑप्शन उनको मिला था, तो शायद अब खीर खाने का समय उनका आ गया है। और बहुत बड़ी बात यहाँ पे अनिल जी ने ये कही है कि आज क्या राजनीति में आप सिद्धांतवाद देख रहे हैं क्या, आपको दिख रहा है क्या? और जयंत चौधरी बहुत बड़े सिद्धांतवादी हैं और बाकी नेता नहीं है, तो इस पे मैं कोई आश्चर्यजनक बात नहीं करता हूं। देखिए मैं आपको बताऊं, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी मरी जा रही थी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने को, और सात से ज्यादा सीटें देने को तैयार थी, जैसा कि अभी बताया कि 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और पांच सीटें राष्ट्रीय लोकदल के साथ लड़ी थी और पांच सीटें जीत के आए थे, वही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, लेकिन और चौधरी साहब मान गए थे, लेकिन जयंत चौधरी अड़ गए थे, वो गठबंधन नहीं करना चाहते। उसके बाद सेम स्थिति 19 में भी आई, तब भी अजीत सिंह का सॉफ्ट कॉर्नर था भाजपा के लिए और वो कहते थे कि हम कर लें। ये मामला जो 2013 में वेस्टर्न यूपी में बिगड़ा है वो मामला सुधरा नहीं, हाँ, जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है, और मैं तो, मेरा तो मीडिया में भी बहुत छपा, सबको मालूम है, जब वो 2013 में चौधरी साहब कांग्रेस में मंत्री बने थे, मैंने उनको कहा था कि आप इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और लास्ट में आप डूबते हुए टाइटैनिक पे बैठ रहे हैं, क्योंकि 1001% कांग्रेस की सरकार इस बार नहीं बनने जा रही। तो उन्होंने मुझे ये कहा था, और मेरा बहुत हॉट टॉक उनसे हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई देखो, मेरे को मंत्री बनने की बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस मेरे को जाट आरक्षण दे रही है और हरित प्रदेश बनाने पर भी विचार कर रही है, इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूं। वो चले गए और आखिर में अपना वायदा भी कांग्रेस ने निभाया। सही बात है केपी मलिक साहब, लेकिन अजीत सिंह जी, अजीत सिंह मंत्री बनने के लिए अजीत सिंह ने कितनी बार फ्लिप फ्लॉप किया है, आपको ज्यादा पता होगा कि कैसे लड़े जीते बीजेपी के साथ, वही 2009 में, और उसके बाद 2011 में फिर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बने, उसके पहले भी कितनी बार फ्लिप फ्लॉप किए, समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, उसके 2014 में कांग्रेस के साथ लड़े, 2004 में सपा के साथ लड़े विधानसभा, नहीं अजीत जयंत चौधरी एक जगह टिके हैं, इसलिए जयंत चौधरी की बात थोड़ी अगर होती है तो सरप्राइज होगा अभी। नहीं, अजीत सिंह और चाहे चौधरी चरण सिंह भी हो या अनिल बंसल जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्या चौधरी चरण सिंह अपने बलबूते पे कभी देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे? आप बताइए, क्या चौधरी अजीत सिंह अपने बलबूते पे सेंट्रल मंत्री बन सकते थे? तो अजीत सिंह का कहना यह था कि हमें तो पैतरेबाजी रणनीति करनी ही पड़ेगी, छोटे दलों को, अगर छोटा दल किसी के साथ नहीं जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, तो ये इस तरह की रणनीति अजीत सिंह की थी, जयंत चौधरी की नहीं है। 1989 अनिल जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं अनिल बंसल। मैं कह रहा हूं 1989 तक अजीत सिंह जी की ये स्थिति नहीं थी, 1991 तक नहीं थी, उसके बाद धीरे धीरे जो राम लहर का प्रभाव हुआ उनको नुकसान हुआ। 89 में तो वो बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, वो विधानसभा भी जीते, लोकसभा भी जीते, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको वहां फंसवा दिया मुख्यमंत्री के, उसमें वो हार गए, तो उनको गृह मंत्री बनना था, वो फिर उनके हिस्से में खाली उद्योग मंत्रालय आया 89 की सरकार में। 89 के बाद की बात मैं कर रहा हूं जी।
बंसल जी तो इसमें इस जी बंसल जी बताए चौधरी अजीत सिंह जो है ऐसा नहीं है, उन्होंने 96 में भी उन्होंने कांग्रेस से वो चुनाव जीते, आपको शायद ध्यान होगा, फिर विलय हो गया था, मर्ज हो गया था शायद, मतलब सरकार बनी तो उन्होंने अपनी जीती हुई सीट को छोड़ा और देवगौड़ा ने उनसे कहा कि आप अलग से आइए, तो वो संयुक्त मोर्चे की सरकार में शामिल हो गए, देवगौड़ा मंत्री बनाना चाहते थे पर मुलायम सिंह यादव ने तब तंगड़ी मार दी और 2 साल की जो यूएफ की सरकार है उसमें चौधरी अजीत सिंह मंत्री नहीं बन पाए, हालांकि वो अलग पार्टी बनाई भारतीय किसान कामगार पार्टी, बाकी कापा की वो अकेले सांसद थे पर उनको मंत्री पद नहीं मिला, फिर 98 में वो सोमपाल जी से हार गए वहां अपने बागपत में, वो 99 फिर जीते, तो ये जो गठबंधन तो सभी पार्टियां सब एक दूसरे से करती रही हैं, पर मुझे जो अपना अनुभव है चौधरी अजीत सिंह का या जयंत जी का भाजपा के साथ सफलता का जो प्रतिशत है वो दूसरे दलों की तुलना में ज्यादा है, इसको हम एक सवाल उसके बाद आ रहा हूं अनिल रॉयल साहब आपके पास भी, और नहीं मैं इसमें अजीत जी एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, जैसे बंसल जी कह रहे हैं अभी अभी यहां पे अनिल बंसल जी जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों से जो 40 साल से नीचे का युवा है उसकी सोच चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह से कोई लेना देना नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ है, और आप अगर वेस्टर्न यूपी में देखेंगे चाहे वो कावड़ लेने का मामला हो, चाहे संजीव बालियान खुद कावड़ लेने जाए, चाहे जय श्री राम का मामला हो, तो वो राम में हुआ हुआ है, उसको चौधरी चरण सिंह ने जमींदारे का खात्मा कर दिया था, हम आज उसकी वजह से किसान हैं, हमारी उसकी वजह से जमीनों पर कब्जा है, वो सब भूल चुके हैं, तो नया जो युवा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर है, और एक माहौल बन गया, जब हम छोटे थे तो हम बड़े बुजुर्गों की बात सुनते थे, आजकल का युवा सुनता नहीं है, हर साल आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, कभी ग्राम पंचायत का, कभी विधायक का, कभी एमपी का, और ये सब जो है बेरोजगार युवा घूम रहा है वहां पे जय श्री राम बोलते हुए, और सबका बढ़िया काम चल रहा, तो वो जो भीड़ है वो परसेप्शन बनाती है जी। नहीं, वो सही कह रहे हैं कि जो युवा है, देखते कि जो चौधरी चरण सिंह का प्रभाव था वो अजीत सिंह के आते आते बहुत खत्म हुआ, और अजीत सिंह का तो जयंत के आते आते खत्म हुआ, मुझे ध्यान है बचपन में हमारे गाँव में जब हमारे ग्रैंडफादर वोट डालने जाते थे तो सब चौधरी लोगों से ही चाटों का गांव है हमारा हिसाब था, सबसे वास्ता था, तो वो पूछते थे लाला जी किसको वोट देंगे, बोले आपको ही देंगे, बोले अगर हमें देनी है तो लाओ बैलेट पेपर हम मारेंगे मोर, और आप जहां मर्जी हो वहां दे लो, तो ये किसी की औकात नहीं थी, पूरे गांव में चौधरी चरण सिंह के बारे में एक अपशब्द इस्तेमाल करते, और आज जाट लड़के ही जयंत और अजीत सिंह के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, दूसरी जाति की बात तोड़ दे, उनका बड़ा सम्मान था, उनकी बड़ी हैसियत थी। अब तो सवाल ये है अनिल रॉयल साहब कि अगर ऐसा होता है, हम इंफेन बट में भी बात करें कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाते हैं और उसके बाद क्या हो सकता है वो आगे जो भी पता चलेगा, लेकिन उससे यूपी की लड़ाई तो बहुत तस्वीर बदलेगी, पश्चिमी यूपी में आरएलडी का वोट बैंक है, भले 2019 में एक भी सीट न जीते हो लेकिन उसके बाद भी एक प्रेजेंस है, विधानसभा में 8 सीटें जीत गए आरएलडी के उम्मीदवार, तो एक इंडिया गठबंधन की लड़ाई को तो एक बड़ा झटका फिर लगेगा अजीत, और बीजेपी को मजबूती मिलेगी। अजीत जी सीट के बारे में तो क्या होगा ये तो अलग विषय है, परसेप्शन की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी को एज पश्चिम में जरूर मिलेगा, सीट पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो अलग विषय है, लेकिन एक हवा के इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में भी टूट आ रही है, बिहार में सरकार बदल गई है, बंगाल में ये 3 ही स्टेट ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी के से कुछ जाने की संभावनाएं इंडिया गठबंधन को लग रही थी, बाकी जो राज्य हिंदी पट्टी के उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी अधिकतम 25 में से 25, 40 में से 39 सीट इन्हीं में खतरा था, जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना सफल ऑपरेशन कर पाई है अभी तक की स्थिति में, उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन को टूटना, एनडीए में जाना, एक हवा, एक परसेप्शन जो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर जी के बाद से बनानी शुरू की उसको और गति देगा। देखिए हिंदू कोई वो नया हिंदू ऐड भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा ऐसा नहीं, पहले ही सभी थे, लेकिन 40% देखिए भारतीय जनता पार्टी 40-45% वोट प्राप्त करती है, 55% वोट गैर भाजपा को मिलता है, भाजपा के खिलाफ जाता है, जिसमें 20% मुस्लिम है, 35% हिंदू वोट है, वो भाजपा के खिलाफ अपील भी है, ऐसा नहीं है कि वो 35 इधर आ जाएगा, लेकिन एक हवा, एक परसेप्शन है, और आरएलडी के यदि ऐसा होता है, आपकी बात सही है, फिर बटवे कहना चाहिए राजनीति में जब तक फाइनल घोषणा नेता ना कर दे तब तक आपको हमको कह देंगे साहब ये तो
भाजपा का ट्रोल आर्मी है, गोदी मीडिया, अजीत अंजुम भी गोदी मीडिया हो गए, वो भी उसी प्रचार को चला रहे हैं। इसलिए खबर कल शाम को चली सब जगह हर चैनल पर, आज तो सारे अखबार में छप गई प्रमुखता से, और ज्यादातर अखबारों में या चैनल में खबर चली, उसमें इफ एंड बट नहीं है, एक तरह से कंफर्म खबर की तरफ से तरह चली। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा वेट करते, लेकिन आज जब कुछ लोगों से बात हुई, आप भी हैं, मलिक साहब भी हैं, और कुछ आरएलडी से जुड़े लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों ने जब ये कहा कि जयंत चौधरी की बात ही नहीं हो रही है किसी से 9-10 दिनों से, या उन्होंने संवादहीनता कायम कर लिया अपने लोगों से, अपने दफ्तर के लोगों से, अपने प्रवक्ताओं से, अपने नेताओं से और अखिलेश यादव से, तब लगा कुछ तो बात है। और बार बार मैं करूं, अगर कुछ बात नहीं है तो कल जब खबर आई तो जयंत चौधरी का एक ट्वीट, उसको उस अफवाह, अगर वो अफवाह है तो उसको विराम दे सकता था, खंडन हो जाता। आज खबर छपी तो खंडन होता, लेकिन जयंत चौधरी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, तब हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए कि इसमें आखिर माजरा क्या है। रॉयल साहब, अनिल साहब, अंजुम जी, बात सही है। मैंने भी अभी अभी डिबेट के बीच में 2-4 लोक दल के नेताओं को, मैंने जयंत जी का भी फोन मिलाया तो उनका फोन नहीं उठा है। मैंने भारतीय जो लोक दल के और नेता है, अभी डिबेट के बीच में कि हो सकता है कोई नया अपडेट हो तो मैं आपको ब्रीफ कर सकूं, बता सकूं ये स्थिति है, तो मैंने आरएलडी के प्रमुख नेता से बात की, उन्होंने कहा आज मेरा भी फोन नहीं उठाया। ऐसी सामान्य स्थिति यहाँ है, इसलिए आप ये मानिए कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो कब आएगी, थाली में क्या आएगी, इसकी प्रतीक्षा करनी बेहतर है। अभी जल्दीबाजी कहना उचित नहीं है, पर है जरूर और गंभीरता से है। ये जो बात आप सब कह रहे सब सही है, लेकिन राजनीति में सब संभव है। वो 9 बार शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री की, और अजीत जी 2 बार लगातार जैन जी हार चुके हैं, यदि तीसरी बार भी किसी वजह से सत्ता नहीं आ पाती है, 15 साल का वनवास, राम युग तो है नहीं कि 14 साल के वनवास के बाद भी राम जी आके सत्ता प्राप्त कर लेंगे, 14 साल की जगह 15 साल का अगर वनवास आरएलडी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा तो उनको भी दिक्कत होती है। नहीं, रामराज तो चल रहा है, 1.5 दशक में पीढ़ी बदल जाती है, तो संभव है कैसा हो। एक बात कहना चाहता हूं, अनिल बंसल कुछ करे, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जाट जो है ना वो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। भाजपा किसी भी कीमत पर जाटों को अपने साथ रखना चाहती है, वो अजीत सिंह को भी हमेशा चाहती थी और जयंत को भी चाहते हैं। आप देखिए कितने मीडिया, यूट्यूब सब, सतपाल मलिक गवर्नर से हटेंगे गिरफ्तार होंगे, सतपाल मलिक जेल जाएंगे, ये होगा वो, क्या हुआ, कुछ हुआ, तो ये सब बातें फालतू की। मुझे जो लगता है, अब जाट भाजपा के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो किसी जाट को नाराज नहीं करना चाहते। किसान आंदोलन हुआ, किसानों के कानून भी वापस लिए, सब यह, तो जयंत चौधरी की प्रभाव कम हो या ज्यादा हो, पर भाजपा का फोकस उन पर जरूर है, इससे हम नकार नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि उनके गठबंधन में आए, पहलू दोनों हैं, इससे एक तो साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन बिखर गया, दूसरे वेस्टर्न यूपी में जो जाट फैक्टर है वो भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष भी जाट है, केंद्र में मंत्री जाट है, कई जो है यहाँ हमारे राज्य सरकार में मंत्री है, तो फिर भी राष्ट्रपति जाट है। हाँ जैन, चलो वो तो राजस्थान से, जैन चौधरी जो है नहीं, लेकिन एक बात, चूंकि उपराष्ट्रपति का नाम लिया किसी ने, अनिल जी ने लिया या मलिक साहब ने, ये भी कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है उनकी भी कोई इसमें भूमिका है, अगर कुछ संवाद कायम होता है, क्योंकि वो देखिए उपराष्ट्रपति, मुझे नहीं लगता, किसी ने कहा मुझे फोन पर, मैं नहीं जानता किसने, पीयूष गोयल और अमित शाह जी का नाम आ रहा है, वो कहीं ना कहीं संवाद सूत्र नहीं है, और उपराष्ट्रपति जी के, अब राजस्थान के लोगों को हमारे लोग मानते नहीं है, यूपी के जाट राजस्थान के लोगों को ज्यादा नेता वेता मानते नहीं है, वो हमारा ये चौधरी जैन चौधरी को ही बीजेपी चाहती है, और वो वेस्टर्न यूपी में नाराजगी किसानों की, किसान आंदोलन है, बहुत सारी बातें हैं, गन्ना किसान, वो चाहती है भाजपा के जैन चौधरी आए, और उसके लिए जो उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाना, वो केंद्र में भी मंत्री पद दे सकते हैं, मुझे इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती, पर सीटें वो ज्यादा नहीं देंगे जैन चौधरी को, मुझे नहीं लगता कि वो 4-5 सीट भाजपा उनको देगी। सीटों पर भाजपा की बड़ी कंजूसी है, सीटें तो वो जो उत्तर प्रदेश के सहयोगी दल है उनको वो मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, राजभर को, और उनको वो कोई लोकसभा की सीटें देने की बात नहीं कर रहे हैं, और जो वो है अपना जो निषाद, वो भी भाजपा की सिंबल पर जीत कर आए हैं, आपको आइडिया होगा इस बात का, उनको जो लोकसभा में वो किसी को सहयोगी दल को सीट देते भी हैं, तो चाहते हैं कि आप भाजपा के ही सिंबल पर लड़ लीजिए।
एक बयान है अखिलेश यादव का, मैं चाहता हूं एक बार वो बयान सुने, उसके बाद केपी मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव से लगातार लोग पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से, हमने भी लखनऊ में हमारे रिपोर्टर ने उनको कहा कुछ लोगों से बात करो, तो उदयवीर सिंह से बात हुई और लोगों से बात हुई, या अखिलेश यादव का ये बयान आया, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की स्थिति लग रही है जैसे कैच 22 है कि कहें तो कहें क्या, उनके लिए एड्रेसेबल नहीं है। तो ये सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया, सुनाइए। जैन चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान, बहुत पढ़े लिखे हैं और राजनीति को वो समझते हैं। किसानों की लड़ाई और पीछे का जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो जैसे केपी मलिक साहब, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे या ऐसे ही डिंपल यादव का बयान है, ऐसे मैंने जिक्र किया, तो ये अगर जैन चौधरी को अगर अलग होना है या कुछ तय कर रहे, ये 10 दिन 9 दिन की संवादहीनता की वजह क्या है? क्या ऐसा भी है कि वो इधर भी हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं कि जो अगर 3 सीट पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार देना चाहती है सिंबल RLD का, तो इधर सहमति बने या उधर बने, ये देर क्यों हो रही है कि 7-8 दिन? इतने बड़े नेता हैं, ना अपनी पार्टी के नेता से बात करें, ना गठबंधन वाले से बात करें, ना अपने दफ्तर जा रहे हैं। केपी मलिक साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी डिसीजन किसी के लेवल पर नहीं होता, उनको हाई कमान से बात करनी पड़ती है। और जैसा कि यहाँ पे अभी आपने भी कहा कि इसमें उपराष्ट्रपति की भूमिका है या किसी और की है, दोनों आपस में पहले भी बात करते रहे हैं, पीयूष गोयल जी और जयंत चौधरी, और ये स्थिति 2022 में भी बनी थी और तब भी जैन चौधरी लगभग 1 हफ्ता गायब रहे थे, और जब बात नहीं बनी तब उन्होंने जो है अलग से भाजपा से अलग जाके चुनाव लड़ा था। एक बात ये हो गई है। दूसरी बात ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रपोजल दिया गया है, और अनिल जी की बात ये सही है कि मुझे नहीं लगता कि वो 2 से ज्यादा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद अधिक से अधिक सीटें किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, शाम दाम दंड भेद करके जीतना चाहती है, और वो चाहती है कि 2 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी ना बढ़ पाए और कोई दूसरे लोग ना बढ़ पाए। इसलिए वो ये कर सकती है कि अगर जैन चौधरी अपने किसी आदमी को लड़ाना चाह रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ाए, एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जैन चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते हैं तो मेरा मानना है कि 40% जाट अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जैन चौधरी अगर सपा के साथ रहते हैं तो 70% जाट ऑटोमेटिकली चला जाएगा सीटों के हिसाब से, जहां उसको सूट करेगा वो आरएलडी के साथ चला जाएगा, बीजेपी के साथ चला जाएगा। देखिए जैसा कि आंकड़ा अभी अनिल जी ने आपको बताया कि जब इन्होंने पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो जहां समाजवादी पार्टी के लोगों को सहूलियत थी वहां उन्होंने अपने लोगों को वोट दे लिया, और वहीं बागपत से कोकब हमीद का लड़का हार गया। तो ये जो पिक एंड चूज होता है इसमें वोटर बड़ा ध्यान से देखता है, तो जहां RLD का कैंडिडेट होगा वहां वो वोट दे देगा गठबंधन अगर सपा का और RLD का है, जहां RLD का आदमी नहीं होगा वहां जाट वोट नहीं देगा, वहां वो बीजेपी पे चला जाएगा। ये इस तरह की चर्चा है, और जैन ये बात जान चुके हैं कि अगर वो भाजपा के साथ नहीं जाते सपा के साथ रहते हैं तो उनको बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये भी दबाव जैन चौधरी के ऊपर है। और तमाम विधायकों की यही रिपोर्ट है, विधायक भी अंदर ही अंदर चाहते हैं, और कम से कम 3 विधायक तो अभी भी समाजवादी पार्टी के ही हैं जो इनके सिंबल पर जीत के आए हैं, तो 9 में से 6 इनके विधायक बचे। दूसरी बात यह है कि विधायक जो जीते थे उस टाइम 2022 में 750 किसान मरे थे, और किसानों का एक माहौल वेस्टर्न यूपी में बना था जिसकी वजह से इनके इतने विधायक आए थे। अगर आज की डेट में आप इलेक्शन कराते हो तो वही पुरानी स्थिति आ जाएगी, 2 या 1 से ज्यादा विधायक राष्ट्रीय लोकदल नहीं जीत पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जी अनिल रॉयल जी, और उसके बाद अनिल बंसल जी, एक एक सवाल। तो इस हिसाब से अगर अनिल रॉयल जी देखें तो अगर ये मैं फिर करो, अगर ये जैन चौधरी ने ऐसा तय किया जैसा अंदाजा आकलन या जिसको शिवपाल यादव अफवाह कर रहे, तो फिर 2024 के चुनाव में जो ठीक 2 महीने बाद होने वाला है, तब तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, जैसे कुछ 2014 में थी वैसी स्थिति। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से, जैसा मलिक साहब कह रहे हैं कि जाट का एक
धारा के अनुकूल बहरा, इस समय भाजपा के पक्ष की धारा है, तो लोकदल के नेताओं को, लोकदल के मतदाताओं को, मलिक साहब की बात से एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि यदि अगर सपा गठबंधन इंडिया में भी रहे हैं अजीत सिंह जयंत जी तब भी 70% जाट उधर जाएगा, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। जाति के आधार पर कहीं गैर जाट गठबंधन का अगर जाट खड़ा होगा तो अलग विषय है, अन्यथा लोकदल के साथ एंटी भाजपा अभी टोन जाट की अधिकांश की है, पर अगर जयंत जी इधर जाते हैं तो निश्चित रूप से 70-75-80% 90 भी कहीं ना कहीं जाट आरएलडी के इसके गठबंधन में एनडीए में चला जाएगा, पर अगर गठबंधन इंडिया में रहते हैं जयंत जी तो 70% फिर भी बीजेपी में चले जाएगा, इस बात से बड़े भाई की मैं सहमत नहीं हूं, ये बात मेरी है। चलिए आखिरी सवाल अनिल बंसल जी, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि मान लें कि यही होने जा रहा है, मान लें अभी हाइपोथेटिकल, अगर जयंत चौधरी रहते हैं तो जो होगा विश्लेषण हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में जाते हैं तब यूपी की तस्वीर आप क्या देखते हैं, 2 ही महीने चुनाव में है अब? नहीं, यूपी तो देखिए बीजेपी का मैदान है, यहाँ कोई किसी की तस्वीर वस्वीर नहीं है, जहां मुसलमान और यादव मिलेंगे वहां सीट निकल जाएगी समाजवादी पार्टी की, बाकी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा संभावना दूसरे दलों के लिए यूपी में नहीं है। और बीजेपी अगर इस तरह की बात कर रही है इस बार 400 पार और ये 300, चुनाव में सब करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, विधानसभा चुनाव में झटका भी लगा बीजेपी को उस हिसाब से, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलते हैं तब समीकरण जरा अलग बदलता है। यहाँ मुसलमान के साथ दुविधा ये है कि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में झगड़ा है, तो कांग्रेस ये मान सकते हैं कि जो मुसलमान वोटर है वो एन ब्लॉक, अगर सपा और कांग्रेस साथ रहते हैं तो वो संदेह नहीं कि वो इनके साथ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सिर्फ उससे काम चलेगा क्या, ये देखने की बात है। तो जहां हमने पिछली बार जब सपा बसपा का गठबंधन था, कई जगह हमने देखा कि जो बसपा का वोट बैंक था वो शिफ्ट नहीं हुआ सपा उम्मीदवारों के साथ, और सपा के सिर्फ 5 ही जीते, 2014 में भी 5 जीते, 2019 में भी 5 जीते, और बहुजन समाज पार्टी 2014 में 0 थी और 2019 में वो 10 सीटें ले गई, फिर भी मायावती कहती है कि मुझे गठबंधन से नुकसान हुआ, क्या अजीब तर्क है। और अब विधानसभा में उनका इतनी बड़ी पार्टी एक सिंगल एमएलए जीत कर आया है और उसके बावजूद हम कहते हैं हम तो अकेला लड़ेंगे, तो कोई कोई किसी चीज का कोई लॉजिक है? तो साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं से प्रेशर है, कोई ऐसी मायावती मूर्ख नहीं है जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, कोई डर कोई भय कुछ तो है कि जब वो निर्णय अपनी पार्टी को खत्म किए जा रही है, राजनीति को खत्म किए जा रही है, पर गठबंधन करने का साहस नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है जो परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश तो बीजेपी का एक स्पष्ट मैदान है, यहाँ अब ज्यादा उसके बाद जो एक मैसेज बिहार का गया, कहाँ बिहार से आ रहे थे नीतीश बाबू, यूपी की सीट ढूंढ रहे थे, कुर्मी बहुल सीट तलाश रहे हैं, यहाँ से लड़ेंगे वहां फूलपुर तक का जिक्र हो रहा था। जो बात आपने शुरू में कही, पॉलिटिक्स में परसेप्शन के भी अपने बहुत महत्व होता है, और एक हवाबाजी बनती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, रामचंद्र जी तो कहीं गए नहीं थे, रामचंद्र जी तो हमेशा कणकण में रहे हैं, लेकिन परसेप्शन है तो है, क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप देखते हैं कि क्या होने वाला है 48 घंटे में। छोटा छोटा जवाब केपी मलिक साहब, अगले 48 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जयंत चौधरी गठबंधन के साथ है या एनडीए के बीजेपी के साथ? नहीं, मुझे लगता है, मुझे लगता है अभी और कम से कम 2 या 4 दिन लगेंगे तस्वीर साफ होने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है और वो भी कई दूसरी जगहों में बिजी है, आपको पता है, क्योंकि कई जगह उनके तोते गिद्ध और बाकी भी काम में लगे हुए, तो वहां से थोड़ा टाइम निकालने में मुझे लगता है जयंत के लिए टाइम लग जाएगा जी। तब तक जयंत चौधरी अंडरग्राउंड होंगे, और जैसे होता है ना कि कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो ऐसी स्थिति हो सकती है। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, व्यस्त है वन वे। अनिल रंसा, पीयूष, जयंत चौधरी के रूट की लाइनें कब तक व्यस्त रहेंगी, कब तक पता चलेगा? जब तक आप अधिकृत ब्रेकिंग नहीं देंगे कि ये हो गया है, जब तक कोई भाजपा का और आरएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी तब तक की स्थिति है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि पीयूष जी और अनुराग ठाकुर जी, ये 3-4 सांसदों का एक ग्रुप है जो जयंत जी के क्लोज फ्रेंड है, इसलिए ये पहले भी एक्टिव थे, ये रोज वाले मित्र हैं। अनुराग ठाकुर जी हैं, पीयूष जी हैं, ये लोग लगातार जयंत जी के साथ रहने वाले मित्र हैं, इसलिए इनके माध्यम से धनखड़ जी ने प्रयास पहले भी किया था और भी लोग हैं, राजनाथ जी ने भी प्रयास किया था। अलग है, सबसे संबंध है, राजनेता सब एक दूसरे के मित्र हैं।
हम लोगों को लगता है कि ये कपड़े फाड़ देंगे, ऐसा नहीं, नेता सब एक हैं। और अभी जैसा बंसल साहब ने कहा था, किसी राजनेता से कोई उम्मीद करे कि चवन्नी है अठन्नी है या जान दे देंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, अब ये कपोल कल्पित बातें, अब तो सबके लिए जय श्री राम, अब कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल रॉयल साहब, अनिल बंसल जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं 48 घंटे या 72 घंटे में कब तक तस्वीर साफ होती है, फिर बातचीत होती रहेगी। नमस्कार सभी दर्शकों को भी, शुभ रात्रि।